जगमग ज्योति हूँ मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सिर्फ नहीं हूँ मोती हूँ, मैं सिर्फ नहीं हूँ मोती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Today's Murli. आज की तारीख है 10/6/12 and today's Murli. और आज की मुरली का हेडिंग परंतु आज फिर से रविवार है और हम अपने प्राणेश्वर प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/1/75 75 की जनवरी मास की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है इंतजार की बजाय इंतजाम करो। अब इंतजार और इंतजाम ये दो शब्द। इंतजार किसका, क्यों, इसलिए, क्या प्राप्ति, क्या नुकसान, और फिर इंतजाम क्या करना, किसके लिए करना, कितना करना, कितने समय के लिए करना। तो ये सारी बातें आज की मुरली के अंदर मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को सुनाई है। तो मुरली शुरू हो रही है। निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी ये तीन स्थितियाँ बनती है, साकारी, आकारी और निराकारी। तो बाबा कहते हैं तीनों स्टेजेस को समान बनाया है, अर्थात जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज को व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। जैसे साकार में मुझे पता है मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं क्या करती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, तो मुझे सब पता है मैं कहाँ रहती हूँ। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आकारी स्थिति में मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, और फिर मेरा आना जाना कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ रहती हूँ, और फिर निराकारी स्थिति जो मेरी असली स्टेज है, मेरी असलियत है, असली स्थिति है। तो क्या मुझे उस स्वरूप में स्थित होना उतना ही सहज है जितना मुझे साकार में सहज है। साकार में मेरे को स्मृति में लाना भी नहीं पड़ता, एक नेचुरल वे से मैं स्वयं को साकार महसूस करती हूँ। ऐसे अनादि स्वरूप जो मेरा है मुझे सहज भासता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी स्वरूप अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है। ये अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है, इसका परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो निराकारी स्टेज है हमारी वो अविनाशी। तो सहज कौन सा होना चाहिए, परिवर्तनकारी सहज होना चाहिए या जो हमेशा के लिए है वो स्थिति में स्थित होना सहज होना चाहिए। साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः ही रहती है या निराकार स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या फिर स्मृति में लानी पड़ती है, सहज रहती है या फिर निराकारी स्मृति हमको लानी पड़ती है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है। जैसे मैं साकार में जो हूँ जैसी हूँ तो मुझे पता है, मुझे बार बार अपने को स्मरण नहीं दिलाना पड़ता, स्मृति नहीं दिलानी पड़ती है। वैसे ही बाबा कहते हैं निराकारी स्मृति में हम सहज स्वतः ही नेचुरल रूप से रहते हैं। अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या ये अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को पास विद ऑनर बना सकते हैं? बाबा कहते हैं अगर सहज नहीं, स्वतः नहीं, तो क्या ऐसे सोचते हो कि हम अंत में अपने को बना लेंगे? इसीलिए अभी हम अभ्यास कर रहे हैं और फिर जब अंत आएगा तो हम अपने आप पास विद ऑनर बन जाएंगे। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, तो बाबा कहते हैं ये संकल्प कौन सा संकल्प है? अंत में बनेंगे या अंत में हम विघ्न विनाशक बनेंगे, पर अभी भले विघ्न आते रहते हैं। बाबा कहते नहीं, ये संकल्प जो है वो है ही रॉयल रूप का अलबेलापन। तो ये अलबेलापन है अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालती है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता। हाँ, सफलता के सितारे नहीं बन पाते। जो पहले नंबर के सितारे हैं, ऊंचे सितारे हैं, और फिर बाबा कहते वो समान भी बनने नहीं देता। किसके समान? बाप समान बनने का लक्ष्य हम ब्राह्मणों का, तो बाप समान भी बनने नहीं देता है। दूसरा संकल्प, ये एक संकल्प बाबा ने बताया। अब दूसरा संकल्प बाबा कहते हैं विनाश की घड़ियों को गिनते रहते हैं ना। हाँ, विनाश की घड़ियां सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये सीधा स्वरूप नहीं है, ये सीधा संशय का रूप है, वो रॉयल माया का स्वरूप। और ये बाबा कहते हैं इस प्रकार सोचना सीधा संशय का रूप है। इसलिए सीधा शब्द न बोल, रॉयल शब्द बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। बाबा कहते हैं समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे हम स्वयं को देवी देवता बनने जा रहे हैं। देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है, तो हम सतयुगी देवी देवताओं की विशेषताओं को अपने में भर करके समीप पहुंच रहे हैं, अर्थात देवी देवता बन रहे हैं। विनाश किसके लिए होगा, हाँ? किनके लिए होगा, ये जानते हो? हाँ, विनाश किसके लिए होगा। तो तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रालब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। हाँ, हम बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चे अपनी संपूर्ण स्टेज प्राप्त करेंगे, संपन्न स्टेज प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हम बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं जो ये पुरुषार्थ कर रही हैं, वो संपूर्ण सृष्टि और सतो प्रधान सृष्टि में जाएंगी, तो वहाँ जाके क्या करेंगी? वो प्रालब्ध भोगेंगी। तो उनकी प्रालब्ध भोगने का वो समय होने के कारण अभी के समय का विनाश करना होगा। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए, या फिर स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशंस को बार बार गिनती करते रहना चाहिए। बाबा कहते क्या करना चाहिए? क्वालिफिकेशंस की गिनती करें कि मुझे देवी देवताओं की दुनिया में जाके मुझे ये भोगना है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सर्व स्वर्ग के सुख भोगने हैं। वो हमें अपने में गुण भरने चाहिए, या फिर बाबा कहते हैं कि बार बार अपनी क्वालिफिकेशंस जो हमें बाप समान बनानी है उसकी गिनती करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? विनाश की घड़ियों का इंतजार करने के बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। इंतजाम माना पूर्व तैयारियां, तो पूर्व तैयारी करना। तो बाबा कहते इंतजार के बजाय क्या करो? इंतजाम करो। परंतु इंतजार में बच्चे ज्यादा रहते हो। अब बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इंतजार में ज्यादा रहते हो। प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध प्राप्त करने वाली हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प अपने पहुंचाते हो। बाबा कहते क्या करते हो तुम बच्चे? तुम्हें ये साधारण संकल्प आता है, तो तुम अपनी रचना में भी ये साधारण संकल्प भरते हो, फिर वो भी इसी प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ जाकर के प्रारब्ध भोगेंगे। तो मेजोरिटी आत्माएं ये शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तो देख लेंगे। हाँ, ये व्यर्थ संकल्प भी कह सकते हैं, अयथार्थ संकल्प, अयोग्य संकल्प। तो कहते हैं जब विनाश होगा तब देख लेंगे। जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। हाँ, जब विनाश के नजारे थोड़ा प्रैक्टिकल में देखेंगे, प्रभाव डालेंगे वो तत्व, तभी हम भी पुरुषार्थ जोर शोर से कर लेंगे, तीव्र गति से। क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता? हाँ, ये तो ड्रामा के अंदर नूंद है। जब वो घड़ी आएगी तब वो विनाश की बातें सारी होती चली जाएगी। ये वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मणों के वाइब्रेशंस भी क्या करेंगे? कमजोर बनाएंगे, भाग्यहीन बनाने के लिए कारण बन जाएंगे। इसीलिए कहाँ भी हम ब्राह्मण उतरती कला में या ठहरती कला में ठहर नहीं सकते, चल नहीं सकते। हमें तो अपने पुरुषार्थ की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज तेज और तेज करते जाना है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की मास्टर रचयिता की स्टेज है। इस समय जगत अम्बा, जगत पिता क्या कर रहे हैं? मास्टर रचयिता बन करके रचना रच रहे हैं। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। तो बाबा कहते वो रचना रचने बैठे हैं, तो हर संकल्प उनका वृत्ति के वाइब्रेशंस, वृत्ति के और वाइब्रेशंस रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, हमें देखकर सब करेंगे, ये पक्का कर लेना है। सिर्फ ये अटेंशन नहीं रखना है लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूँगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। हाँ, बाबा कहते हम अपने स्वमान में स्मृति की सीट पर सेट रहे कि रचना हमारी अपनी है, तो मैं जैसा संकल्प करूँगी तो मेरी रचना की भी वैसी संकल्प की वृत्ति रहेगी, वैसा ही वायुमंडल बनेगा और वैसे ही सर्व आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो ये स्मृति में स्लोगन रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर और कम पद पाने वाली बन जाएंगी। रचयिता की कमी रचना में स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को आप क्या करें, समर्थ बनाओ। ये जो कहावत है ना कि संकल्प से सृष्टि रची, हाँ प्रभु ने संकल्प आया और सृष्टि रची, तो वो इस समय की बात है। हाँ, प्रभु को संकल्प आया है मैं पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया बनाऊं, जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हरेक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। बाबा कहते हैं ये इसी समय की बात है जब हम संकल्प से अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसीलिए हर स्टार के अंदर अलग अलग दुनिया दिखाई है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो या फिर ये बाप दादा का काम है ऐसा सोचते हो। क्या सोचते हैं? अपनी चेकिंग करें, आपका काम है या बाप का काम है? काम किसका है? हमारा तो नहीं ना, बाप का काम है। तो प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को करना है? तो पुरुषार्थ किसको करना है? हम आत्माओं को, बाप को तो नहीं करना है ना। तो हम क्या करते, बाप को भी वही पुरुषार्थ कराते। जैसे लेने में कुछ भी कमी करना नहीं चाहते। हाँ, मधुबन में जब बांटा जाता है कुछ भी, कोई भी पदार्थ, चीज, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नए जो होते हैं वो कभी भी अपनी लेने में कमी करना नहीं चाहते। लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते। हाँ, जब बाबा प्रारब्ध पाने वालों को देने लगता है तो कोई भी बात में मेरी कमी हो, मुझे जो बाबा से मिल रहा है उसमें कोई कमी हो, ये तो मैं नहीं चाहूँगी। तो बच्चे भी नहीं चाहते हैं और फिर वो स्वयं को किसी से कम भी नहीं समझते हैं। मना ये विरोधाभासी बात है। एक तरफ तो समझते हैं कि मेरे में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, मुझे पूरा हक मिलना चाहिए, और फिर किसी को भी अपने से कम नहीं समझते, माना अभिमान में आ जाते हैं। तो अभिमान और नम्रता जोड़ी भी जमती है। तो बाबा कहते हैं जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, या करने के समय यह तो समझते हो कि हम छोटे हैं और ये बड़ों का काम है, और लेने के समय फिर ये सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं। देखो फिर विरोधाभासी बातें कि ये जो करने का समय है हम सोचते हैं ये छोटों के लिए है, हम बड़ों के लिए नहीं। और फिर जब बांटने पर बाबा आते हैं और बाबा हमें वह सौंपते हैं, खजाना देते हैं, तो हम लेने में कम नहीं करते, छोटों को भी तो सब अधिकार होने चाहिए ना, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए व उनको भी भाग्य उनका बनाने देना चाहिए या उनको भी अपना भाग्य बनाना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, जो सोचेंगे वही पाएंगे। नियम क्या है? बाबा कहते हैं उसका नियम क्या है? तो सोचना, बोलना और करना, ये तीनों को एक समान बनाओ। तीनों हमारे एक समान हो। सोचना और चलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं। तो वे सोचते और बोलते ही समय को बिता देंगे और करने से जो पाना है वो पा नहीं सकेंगे। हाँ, जो हम खुशी में कहते हैं ना कि बाबा मिला माना सब कुछ मिला, तो हम गीत गाते हैं खुशी में, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। हाँ, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो हम जैसे त्रिलोक के मालिक बन जाते हैं। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे, परंतु अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। बाबा कहते हैं तुम अलबेलेपन में आके रॉयल माया में फंसकर तुम क्या करोगे? आना धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो रोज आते हैं हफ्ते में फिर 2-3 दिन आएंगे, कहेंगे मैं मेरी गीता पाठशाला में क्लास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं अपनी रचना को भी आप वंचित करेंगे, इसलिए कहना कम और करना ज्यादा है। कहना कम है, ज्ञान बहुत लंबा चूड़ा नहीं सुनावे, शॉर्ट में जो उनको जरूरी है उतना ही हम सुनावे। ये लक्ष्य सदा याद रखो। हाँ, बाबा कहते हैं ये लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह और सहयोग दिया जाए। ये सब मांगने की चीजें नहीं, ये तो बिना मांगे हमारी भावनाएं हमारे शुभ संकल्प पहुंचते हैं तो वो हमें रिटर्न में टोली भेजते हैं। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति और संकल्प की सिद्धि के रूप में ये सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती है, और इसलिए इन साधारण संकल्पों में व व्यर्थ संकल्पों में अपने समय को व्यर्थ न गवाओ। हाँ, तो कितनी सावधानी बरतनी पड़े। तो सभी ने भगवान वाच, भगवान की ये आशा जानी, इच्छा जानी कि भगवान पिता हम बच्चों से क्या चाहते हैं। अच्छा, ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझकर चलने वाले, संकल्प में भी अलबेलापन को मिटाने वाले, सदा बाप समान पाप के साथी बन साथ निभाने वाले, पाठ को साक्षी हो बजाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम दूसरी मुरली पढ़ते हैं। यह भी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/1/75 और इस मुरली का शीर्षक है ज्वाला रूप अवस्था। अब ज्वाला रूप अवस्था माना क्या? आप मीठे मीठे बाप दादा ने वर्तमान हम बच्चों को इस वर्ष ज्वालामुखी योग करने का लक्ष्य दिया है कि अमृत वेले ज्वाला रूपी योग करें, ज्वाला रूप रख करके और मीठे मीठे बाप दादा को याद करें, अर्थात ज्वालामुखी योग करें। तो ज्वाला स्वरूप अवस्था क्या होती है, ज्वालामुखी योग क्या होता है, तो हम देखें मीठे मीठे बाप दादा ने क्या सुनाया है हम बच्चों को। तो मुरली शुरू हो रही है अपने को नैनों में समाये हुए। हाँ, हम सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के नूर हैं, तो बाबा यही कहते हैं कि अपने को नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर व नूरे रत्न समझते हो। स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो, नैनों के सन्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो। क्या है, दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सन्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे की आने की मार्जिन रहती है। अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है, लेकिन जो नैनों में समाये हुए हो वे बाप के समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजयी, निरंतर एक रस और एक की ही लगन में वो मग्न होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वर सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि ऐसे बने हो या फिर बनना है। वर्तमान हम चेकिंग करें अपनी कि मेरी स्थिति या अवस्था क्या है या मेरा पुरुषार्थ क्या है। विश्व परिवर्तन के आधारभूत स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधारभूत संपूर्ण परिवर्तन की यदि स्वयं में अभी कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा। अगर हम अभी तैयार नहीं, परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो विश्व का कैसे होगा। आधारभूत स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी सोचते हो कि समय चाहिए। ये संकल्प उत्पन्न होता है आधारभूत के दृढ़ संकल्प में। कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश तो कभी होश आ जाता है। बाबा कहते हैं अवस्था कैसे परिवर्तन परिवर्तित है, कभी कैसी है कभी कैसी है। आधारमूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। स्व का परिवर्तन कर रहे हैं या कर लिया है या फिर पूरा हुआ करने का संकल्प। तो फिर जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाली आत्माएं हैं उनको प्रेरणा बराबर प्राप्त होगी। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, लेकिन उसको प्रज्वलित करना और उसको तेज प्रज्वलित रखना, ज्वाला के रूप में उसको रखना, उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने परिवर्तन में वह ज्वाला स्वरूप लाना पड़ेगा। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। अभी हम लोगों की स्थिति में क्या होता है, हम विनाश की ज्वाला के लिए प्रेरित करने का तेज पुरुषार्थ करते हैं, परंतु कभी वो विनाश ज्वाला हमारी प्रेरणा से एकदम भड़कती है, कभी फिर शीतल हो जाती है। तो कारण क्या बाबा कहते हैं? तो बाबा कारण बताते हुए कहते हैं, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता। हाँ, स्मृति में रहना चाहिए, नेचुरल। हाँ, जो हमें आता ही रहे और हम उसी ज्वाला रूप से मीठे मीठे बाबा को याद करते रहे। तो बाबा कहते वो स्थिति अभी नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? अब बाबा हमें उसकी विधि बताते हैं कि कैसे वह स्थिति हमारी स्मृति में रहे। तो बाबा उसका किसी को पूछा तो कोई ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा। तो बाबा ने कहा ये स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? मेरा तो एक शिव बाबा, ये भी बात याद रहे, उसके लिए फिर कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? तो बाबा किसी ने कहा उपराम अवस्था। हाँ, न्यारी प्यारी अवस्था। बाबा कहते हैं वो तो है रिजल्ट, वो तो आपके पुरुषार्थ की रिजल्ट है, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? कोई ने कहा न्यारापन। बाबा ने कहा कि न्यारापन भी किससे आएगा? न्यारापन भी कैसे आएगा? कौन सी धुन में रहने से आएगा? तो धुन यही रहे, क्या रहे कि अब वापस घर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कहाँ जाना है? अपने असली घर जाना है, अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। तो हमें परम धाम जाना है, तो परम धाम जाना है तो वहाँ के हिसाब से हमारा पुरुषार्थ भी चलेगा। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि निराकारी घर जाना है, तो वैसा ही अपना वेश मुझे बनाना होता है, अर्थात बनाना है, वापस जाना है और सभी को साथ में ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और बाप समान भी बन जाएंगे। तो सर्व को सदा क्या दिखाई देंगे? हम ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के लिए निमित्त बने उतना ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा, उतना ही विनाश जो है वो ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की क्या करें? बाबा कहते हैं अब तीली लगाओ। हाँ, किसी आग को जलाने से पहले उसको तीली लगानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं अब तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है, मन ठंडे हैं। बाबा कहते हैं अब गर्म होना है हमें, मन तेज पुरुषार्थ करना है। संगठन का रूप ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। हाँ, अकेले अकेले ज्वाला रूप की स्थिति न बनाए, लेकिन जब संगठन पूरा हमारा ज्वाला रूप का योग करेगा, स्थिति ज्वाला रूप होगी, तब बाबा कहते हैं कि विनाश का कार्य संपन्न होगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में क्या करें? बाबा कहते संगठन का पूरा एक ही संकल्प हो, तो इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे। बाबा ने होमवर्क दिया, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। अकेले अकेले नहीं, थोड़ी संख्या का संगठन नहीं, पूरे बेहद के संगठन में बनाए, तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यही पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? हाँ, बाबा कहते अभी ये संकल्प समाप्त कर दिया है या चलता है? घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा? हाँ, विनाश होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, अगर और मगर तो नहीं आता, अगर न हुआ तो? कईयों को संशय पड़ता है कि बाबा तो कहते हैं, पर अगर विनाश न हुआ तो? कोई कहता है मगर होना ही है, कोई अगर कहता, कोई मगर कहता, लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं, हाँ? लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, बाबा भी अव्यक्त हो गए, आप भी अव्यक्त हो जाओ, बाप समान। अर्थात कोई भी सामने आए, हाँ, इसका मतलब क्या बाबा समझा रहे कि कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बातें उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। हमारे सामने वो व्यक्त भाव की बातें न करे और हमारे अंदर भी उनको कोई व्यक्त भाव दिखाई न दे। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते हो जाओ। बाबा कहते उनकी भी स्थिति, आपकी अव्यक्त स्थिति देख के वो भी फरिश्ता बन जाए। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ, हाँ? तो ये हलचल सारी समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है। देखो, बाप दादा में विश्वास दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि बच्चे घबराओ मत, बाप दादा अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन, हाँ, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, देखो बाबा कितनी हमें हिम्मत दिलाकर मदद का एहसास करा रहे हैं और गुप्त राज मदद का बता रहे हैं कि बाबा क्या करेगा। तो बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए, जब कोई आएंगे सामना करने, और यदि आप घबराए तो उस समय किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। इसीलिए घबराने की तो कोई बात ही नहीं रही और अब भी हो रहे हैं। बाबा कहते हैं अब भी ये कार्य मैं कर रहा हूँ, बच्चों के द्वारा मैं प्रत्यक्ष समय पर आवश्यकता पड़ने पर यदि बच्चे उसमें कमजोर हैं तो मैं आकर के प्रत्यक्ष होता हूँ। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। अभी वरदान, आज का वरदान है सदा हर कर्म में, हाँ हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। सोचो, आप करोड़ों आत्माओं में हम बाबा को पसंद आए, बाप ने पसंद किया, बेहद के मालिक बन गए। हाँ, पसंद क्या किया उसने, हमें क्या कर दिया, बेहद का मालिक बना दिया। भगवान की डिक्शनरी में सुना, भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु, इतिहास जब सुनाते हैं ना कहानी, तो क्या कहेंगे, हु इज हु, कौन थे वो लोग, ऐतिहासिक घटनाओं में वो व्यक्तियाँ कौन थी। हु इज हु में आपका नाम है, बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। बस यही सदा नशा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा, इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है आज का, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो। साइंस ने हमें बहुत सारे, इतने अच्छे अच्छे साधन दिए हैं, परंतु उन साधनों को हम अपने सुख के लिए यूज न करें। बाबा कहते हैं उन साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं, माना स्वार्थ के लिए यूज न करें, परमार्थ के लिए हम उसे यूज करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। देख रही मैं दिव्य